और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, बिहार चुनाव को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना काल में ये पहला चुनाव हो रहा है, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, कोरोना काल में पहला विधानसभा चुनाव, ऐसे में गाइडलाइंस जारी की गई है। कोरोना के दौरान किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया होगी, गाइडलाइंस में बताया गया है। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार कर सकेंगे ऑनलाइन नॉमिनेशन, नॉमिनेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को मास्क का उपयोग करना होगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक रैली और रोड शो को मंजूरी मिल गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रैली और रोड शो को मंजूरी दे दी गई है। घर घर प्रचार के लिए सिर्फ 5 लोगों को मंजूरी दी गई है। सिक्योरिटी की रकम भी ऑनलाइन करनी होगी, नामांकन भी ऑनलाइन दाखिल करना होगा। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रदीप, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, गाइडलाइंस में क्या बड़ी बातें कही गई हैं? देखिए, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइन है ऐसे वक्त जब कोरोना संकट चल रहा है देश में, और जिस तरीके से पहला चुनाव विधानसभा की बात करें तो वो बिहार में होना है, और ये माना जा रहा है कि 20 सितंबर को चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 2 से 3 चरणों में बिहार में चुनाव होगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस बीच आज बैठक हुई थी चुनाव आयोग की, और एक विस्तृत जो एक विस्तार के साथ गाइडलाइन जारी की गई है, यानी चुनाव में जो जिन गाइडलाइन का पालन किया जाना है उसको विस्तार से बताया गया है, और इसमें खास तौर से कोरोना से बचाव के कारण और उपाय वो तमाम सुझाए गए हैं। जिस तरीके से गाइडलाइन है, हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें, गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है उनका पालन किया जाएगा, और इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। खास तौर से न सिर्फ जो चुनाव कर्मी हैं उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, बल्कि मतदाताओं को कैसे यहाँ पर जो कोरोना संक्रमण से उनका बचाव सुनिश्चित किया जा सके, इसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो विस्तार से अगर आपको बताएं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, उम्मीदवार के लिए ऑनलाइन यहाँ पर पंजीकरण कराना होगा, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी मनी है वो भी ऑनलाइन जमा होगी, ये पहली बार होगा। यानी सीधे तौर पर कहें तो कोई ना कोई जो जिस तरीके से अलग अलग प्रावधान किए जा रहे हैं कोरोना संकट के चलते, ये किए गए हैं। खास बात ये कि मतदाताओं को लेकर यहाँ पर जो स्पष्ट किया गया है उसमें 80 साल के जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो बैलेट पेपर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो जरूरी काम में जुटे हुए लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो मतदान करने के लिए पात्र हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो भी बैलेट पेपर के जरिए मतदान कर सकते हैं। दिव्यांग जनों को अधिकार दिया गया है, तो ये प्रावधान किए गए हैं। आपको मैं सिलसिलेवार बताऊं कि जो इसमें पोस्टल बैलेट सुविधा होती है, डाक से मतदान का ये विकल्प दिया गया है उन लोगों के लिए जो दिव्यांग है, 80 साल से अधिक के हैं। इसके अलावा जो अधिसूचित आवश्यक वस्तु सेवा में तैनात हैं ऐसे व्यक्ति विशेष, और जो COVID-19 से संक्रमित हैं और जो आइसोलेशन में हैं या क्वारंटाइन हैं, उनको भी ये छूट दी गई है कि वो बैलेट पेपर के जरिए मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान सभाएं करने की अनुमति यहाँ पर विस्तार से बताई गई है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मतदान के दौरान बड़े कक्ष की व्यवस्था करनी है, वहाँ पर सैनिटाइज़र और बाल्टी पानी तमाम चीज़ों की व्यवस्था करनी है, इस साबुन की व्यवस्था करनी है ताकि हाथ धो सकें, दस्ताने पहनेंगे, मास्क लगाएंगे तमाम कर्मचारी, बीच में उनके प्लास्टिक सीट भी दी जाएगी, ये तमाम व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो चुनावी सभाएं करेंगे जो उम्मीदवार होंगे, जो रोड शो करेंगे उनको लेकर भी इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी काफिला जब गुजरेगा तो उसको 5 गाड़ी के बाद ब्रेक किया जाएगा, रोका जाएगा, और उसके बाद फिर आगे गाड़ी बढ़ाई जाएगी, 100 मीटर की डिस्टेंस इसमें रखी जाएगी, ये तमाम प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो विस्तार से इस गाइडलाइन में बताया गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें कड़ाई से पालन होना है। तो ये पहला चुनाव होगा, जबकि कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव पर नज़रें लगी हैं बिहार के, और काफ़ी राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। और इसमें ये भी शिकायतें आई थी कि एक जो वर्चुअल तरीके से एक माध्यम है और दूसरा जो परंपरागत तरीके से चुनाव होता रहता है उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई दे रहा था। और एक सवाल प्रदीप, एक अहम सवाल है, ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, अगर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, अगर उनका पालन नहीं होता है तब क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर कहें तो स्पष्ट तौर पर ये दिशा निर्देश चुनाव आयोग की ओर से आए हैं, और जब चुनाव आयोग कोई दिशा निर्देश देता है तो वो चुनाव आचार संहिता में आ जाते हैं सीधे तौर पर। अगर आप देखें तो ये ज़रूर है कि इनकी शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार होगा कि वो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज कर सके। हमने देखा है अमूमन जब कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे वक्त ये चुनौती बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। तो ये ज़रूर है कि पहली बार ये सब तमाम चीज़ें करनी पड़ रही हैं, पहली बार ही देखना होगा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई क्या होगी, तो इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन और जो हेल्थ मापदंड है, तमाम गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, उनका पालन सुनिश्चित करना होगा, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है। तो ये जिम्मेदारी उम्मीदवारों की भी होगी, पार्टी की भी होगी, मतदाताओं की भी होगी कि वो अपने समझें पाया जाता है तो न सिर्फ वो अपनी मुश्किलें बढ़ाएगा, अपने आसपास लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा, बल्कि पूरे उस वहाँ पर समूह की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब इसका पालन सुनिश्चित कराना रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो संबंधित चुनाव अधिकारी हैं, इसके अलावा प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी बनेगी। तो उसके बाद उनकी शिकायत अगर आती है तो चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा, ऐसा दिखता है। तो पहली बार ये तमाम चीज़ें हुई हैं, पहली बार क्या एक्शन चुनाव आयोग की ओर से होगा इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन तमाम दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर दिए हैं और एक विस्तार से गाइडलाइन जारी कर बताया है कि कोरोना काल में चुनाव को लेकर क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, चुनाव प्रचार के लिए रैली को इजाजत दे दी गई है, रोड शो को इजाजत दे दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, 100 मीटर का गैप है, और अगर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है तो ये चुनाव आचार संहिता माना जाएगा।